हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक नया डिज़ाइन का बैंगल का सेट लेकर आई हूँ, जिसमें हमने मिरर्स और गोटे का यूज़ किया है। तो आइए देखते हैं इसको हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले सेट बनाने के लिए हम लेंगे प्लास्टिक का कड़ा, कॉटन का थ्रेड, फैब्रिक ग्लू, गोटा और दो टाइप के मिरर्स, जिसमें एक ड्रॉप शेप है और एक राउंड शेप है। बैंगल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेस प्रिपेयर करना है। बेस के लिए प्लास्टिक के बैंगल पे हमें इस तरह से थ्रेड को लगाना है। टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कंप्लीट सेट कर लिया है, तो इस तरह से मैंने बैंगल्स लिए हैं। अब इन बैंगल्स के ऊपर हम लोग डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये बड़ा वाला बैंगल हमने लिया है। इस बड़े बैंगल पर हम मिरर वर्क करेंगे। मिरर वर्क के लिए सबसे पहले हम लोग ग्लू लगाएंगे इस तरह से। ग्लू लगाने के बाद अब हम इसमें सबसे पहले सेंटर में राउंड शेप का मिरर, फिर साइड में ड्रॉप शेप का मिरर हमें लगाना है। ये देखिए, पहले हम इसमें दोनों साइड इस तरह से ड्रॉप शेप के मिरर लगाएंगे प्लस साइज में, और फिर इस तरह से इन दोनों के बीच में एक एक ड्रॉप शेप का मिरर। तो इस तरह से मिरर लगाने से हमारा एक फ्लावर रेडी हो गया है। ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। अब हम एक फ्लावर कंप्लीट हुआ, फिर उसी के ही पैरेलल हमें, जैसे ये एक कंप्लीट हुआ फिर उसी के पैरेलल ये दूसरा लगाना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो दोनों मिरर हमने बनाए हैं, उन दोनों मिरर के बीच में ही हमें साइड में एक और फ्लावर हमें इसी तरह से बनाना है। थोड़ा सा हम ये इस तरीके से इसलिए बना रहे हैं ताकि जो हमारे फ्लावर्स हैं उनके बीच में इक्वल गैप आए। अगर हम साइड साइड में एक एक मिरर या सॉरी एक एक फ्लावर बनाते चले जाएंगे तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि हमारे जो फ्लावर्स हैं उनमें गैप इक्वल नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से हम चार फ्लावर बनाएंगे, ऊपर नीचे और दो फ्लावर साइड में। अभी आगे आप देखेंगे कि जैसे अभी ये हमारा थर्ड फ्लावर चल रहा है, फिर थर्ड फ्लावर के बाद जो हमारा फोर्थ फ्लावर होगा उसे भी हम इसी तरह से निशान लगा के फिर बनाएंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे तीन फ्लावर बन गए। अब हम चौथा फ्लावर उसी के बिल्कुल पैरेलल बनाएंगे। अब ये हमारा फोर्थ फ्लावर हम लोग बना रहे हैं। अगेन वैसे ही, पहले हम लोगों ने फैब्रिक ग्लू लगाया। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद बीच में सेंटर में हमारा राउंड मिरर, और साइड में अब हम ड्रॉप मिरर्स लगा रहे हैं। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड कलर का बैंगल सेट बनाया है। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग भी अपने थ्रेड का कलर ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने येलो कलर के मिरर्स यूज़ किए हैं, आप लोग वाइट कलर के मिरर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कलर की चॉइस आपकी अपनी, आप किसी भी कलर पर बना सकते हैं। ये बैंगल सेट पहनकर बहुत ही सुंदर और एलिगेंट लगते हैं। आपको कैसा लगा आप प्लीज जरूर बताइएगा। ये देखिए, इस तरह से हमारे चार फ्लावर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब जो हमारे बीच का जो स्पेस है, यहाँ पर भी हम एक एक फ्लावर बनाएंगे। अब आप देख रहे हैं हमारे पूरे बैंगल पर इस तरह से हमने फ्लावर बना लिए हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी दोनों बैंगल कंप्लीट कर लिए हैं। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस खाली लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर ग्लू लगाकर, और अब यहाँ पर हम एक एक राउंड शेप का मिरर लगा देंगे। इससे हमारा बैंगल और ज़्यादा एनहेंस हो गया है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। ये हमारा एक बैंगल कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हम लोग दूसरे बैंगल में भी इसी तरीके से राउंड शेप के मिरर्स लगाएंगे। मिरर वर्क करना बहुत ही इजी है। इसी तरीके से आप अपने और डिज़ाइन के भी बैंगल्स बना सकते हैं। मैं रेगुलरली आपके लिए इस तरह के कुछ कुछ डिज़ाइंस इजी वाले लेकर आती रहूँगी।
ये हमारा सेकंड बैंगल भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारे साइड वाले चार बैंगल्स हैं, इनको भी हम लोग बना लेते हैं। इन साइड वाले बैंगल्स में भी हम लोग बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन बना रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल पास पास लगाकर राउंड शेप के मिरर्स को लगा रहे हैं। तो उसके लिए अगेन हम लोगों ने पहले फैब्रिक ग्लू लगाया। फैब्रिक ग्लू के ऊपर इस तरह से हम लोग मिरर्स लगाएंगे। जिस तरह से हम ये मिरर लगा रहे हैं, इसी तरीके से हमें अपने चारों बैंगल्स को कंप्लीट करना है। ये देखिए, अच्छा फैब्रिक ग्लू हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में लगाना है, हमें कम क्वांटिटी में फैब्रिक ग्लू नहीं लगाना है। अगर हमारी ग्लू की क्वांटिटी कम होगी तो मिरर्स बाद में उतर सकते हैं। इसको आप सीक्वेंस में इसी तरीके से चारों बैंगल्स में लगाएंगे और अपने बैंगल्स को कंप्लीट करेंगे। अगर मिरर्स के ऊपर हल्का फुल्का ग्लू लग जाता है तो जब हमारे मिरर्स अच्छे से स्टिक हो जाएंगे तो एक हल्का सा गीला कॉटन लेकर या फिर कॉटन का हैंकी लेकर उससे आप हल्के हल्के से जब रब करेंगे तो हमारा मिरर के ऊपर जितना भी ग्लू आया है वो पूरा ग्लू रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए ये डरने की बात नहीं है कि मिरर्स के ऊपर ग्लू आ गया है। तो देखिए ये कम्प्लीट हो गया है। अब हम हमारी सबसे बारीक वाली जो बैंगल्स हैं उनके ऊपर गोटा लगाना स्टार्ट करेंगे। ये गोटा लगाना बिल्कुल आसान है, इसको बस हमें इस तरह से राउंड राउंड शेप में लगाना है थोड़े थोड़े गैप के बाद। और जहाँ जहाँ भी हम गोटा लगा रहे हैं पूरे गोटे पे इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाते चले जाएंगे। जब हम इस तरह से ग्लू लगाएंगे तो हमारा गोटा कभी भी इस थ्रेड के ऊपर से नहीं उतरेगा, ये अच्छे से चिपक जाएगा। अगर हम ग्लू नहीं लगाएंगे तो पहनने में या कैसे भी कभी भी ये जो गोटा है उतर सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी बैंगल भी तैयार हो गई है। इसी तरीके से हमें हमारी चारों बैंगल्स को कंप्लीट करना है। अब आप देखिए हमारा सेट बिल्कुल रेडी हो गया है। चारों पतले वाली बैंगल्स, चौड़े वाला कड़े और इस तरह से बारीक वाली बैंगल्स भी। तो आपको ये हमारा सेट बहुत ही इजी तरीके से बनना आ गया है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो वेरी मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।